नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई खबर, क्षतिग्रस्त भवनों को गिराने की तैयारी कर ली गई है। आज होटल गिराने से इसकी शुरुआत होगी। सीबीआरआई की निगरानी में भवन गिराए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की एक टीम भी जोशीमठ पहुंची है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन भवनों में दरारें पड़ी हैं, उनको गिराया जाएगा और उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और इसकी शुरुआत हो रही है एक होटल को गिराने के साथ ही। सीबीआरआई की निगरानी में भवन को गिराया जा रहा है क्योंकि कोई भी हादसा आने वाले वक्त में हो सकता है। एहतियात के तौर पर अब धीरे धीरे जिन भवनों में हानि हुई है, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको गिराने की तैयारी कर ली गई है। और चलिए, रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता जोशीमठ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। रवि, अगर संभव हो तो वहां जो कार्रवाई चल रही है वो भी दिखाएं, किस तरीके से दरारें पड़ी हुई हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कैसे टीमें लगी हुई हैं और भवन को गिराया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं वहीं पर हूँ जिस होटल से जो भवनों के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई शुरू होनी है, ये मलारी इन है, यहीं से भवनों को गिराए जाने की कार्रवाई शुरू होनी है। और मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिर जो पूरी वजह है यहाँ पर क्यों बनी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी होटल से जो है ये कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की, वो शुरू होगी। और यहाँ से जो बाहर जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, लेकिन मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कि कोई अभी किसी तरीके का यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सीबीआरआई जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीमें हैं, वो जब यहाँ पर आएंगे, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में ही यहाँ पर भवनों का ध्वस्तीकरण होगा, क्योंकि उनको इस बात का पूरा अनुभव होता है कि किस तरीके से भवनों को गिराना है, क्योंकि यहाँ नीचे एक बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को भी सुरक्षित रखना है, आसपास के घर हैं, उन घरों को सुरक्षित रखना है। ये बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें हैं, अगर ये अपने आप ही यहाँ से ध्वस्त होती हैं, नीचे चले जाती हैं, तो नीचे खतरा हो जाएगा। नीचे जो बद्रीनाथ का नेशनल हाईवे है वो यहाँ पर है, उस पूरे ट्रैफिक को उस वक्त रोका जाएगा जब इनको गिराया जाएगा। फिलहाल जो यहाँ से गिराने की जो कंडीशन है उसको मैनुअल तरीके से किया जाना है। यही वजह है कि अभी सुबह से इस बात का इंतज़ार है कि किस तरीके से भवनों को यहाँ पर यहाँ से इनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, किस तरीके से इनको हटाया जाएगा। और अभी जब सीबीआरआई की जो टीम है वो यहाँ पर आएगी, फिलहाल सीबीआरआई के जो टीम है बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ अभी नहीं आए हैं। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक यहाँ से इन होटल पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके पीछे की वजह यही है कि पूरी तरीके से एक सुरक्षित तरीके से इन भवनों को यहाँ से हटाया जाना है। मैनुअल तरीके से इनको यहाँ से हटाया जाएगा, इस पर कोई बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ से इन भवनों को हटाने के लिए जो सब्बल, बड़े हथौड़े, इस तरीके से इनके धीरे धीरे ईंट करके एक एक कमरे करके इनको यहाँ से हटाया जाएगा। शुरुआत इसी होटल से होनी है क्योंकि इस पर दरारें बहुत बड़ी हैं। उन दरारों को एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये दरारें हैं, ये होटल और जो सड़क है ये दोनों आपस में बिछुड़ चुके हैं। होटल सड़क से बिल्कुल अलग हो चुका है और यही वजह है कि अब इस होटल को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि इस होटल के नीचे एक बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को खाली भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आसपास के जो इलाके हैं, अगर भवन खुद ब खुद जमींदोज होता है तो ये वहाँ तक भी इसका प्रभाव जा सकता है, क्योंकि ये तकरीबन 6 मंजिला है, इस पर बहुत ज़्यादा मलबा है और एकदम से अगर यहाँ से जमींदोज होगा तो आसपास के इलाकों में दिक्कत होगी। यही वजह है कि इसको रवि जरा ये भी बताएं, क्योंकि आसपास जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई मकान, कई भवन वहाँ पर नजर आ रहे हैं, अगर इस इमारत को वहाँ से हटाया जाता है, ढहाया जाता है, तो क्या आसपास जो इमारत है उन पर भी इसका असर पड़ेगा या उसके लिए कोई और तरीका निकाला गया है? बिल्कुल, देखिए स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। जिस होटल को मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो मलारीन होटल है, यहाँ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन इस होटल के बाद ऐसे तकरीबन 75 जगह हैं जहाँ पर रेड क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। रेड क्रॉस यानी कि असुरक्षित जगह, जहाँ पर रहने आप खतरे से खाली नहीं है। और ये इसके ठीक ऊपर वाला पैच है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ये वाले जो सामने वाले जो होटल हैं, चाहे नेचर इन जो होटल है, इस पर भी पूरी तरीके से रेड क्रॉस के जो निशान है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और इसके ऊपर जो फिर मकान जो यहाँ पर लोगों के हैं उसमें भी रेड क्रॉस के निशान यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि यहाँ से शुरुआत होगी और उसके बाद धीरे धीरे जो ऊपर की तरफ भी इन तमाम भवनों को मैनुअल तरीके से हटाया जाएगा।
और ये जो कार्रवाई है ये पूरी तरीके से बहुत सुरक्षित तरीके से बहुत वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल यहाँ पर अभी जो यहाँ के ऑनर हैं, जो होटल स्वामी हैं, जो भवन स्वामी हैं ऊपर के, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनकी वजह यह है कि उनका ये कहना है कि प्रशासन और हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अभी यहाँ से हटाने की बात तो हो रही है लेकिन उनको प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं बताया गया है। मीडिया के माध्यम से ही उनको ये जान पा रहे हैं कि यहाँ से हटा रहे हैं। प्रशासन के जवान मुझे जरूर नजर आ रहे हैं, कुछ अधिकारी वहां पर नजर आ रहे हैं, अगर संभव हो तो जरा उनसे भी बातचीत करें, कैसे ये प्रक्रिया रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है सुबह से ही और वो लोग यहाँ पर जो है बातचीत कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि एसडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर आपका एक कमेंट बहुत ज़रूरी है, आप ये बताइए कि किस तरीके से शुरुआत होगी इसकी और कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। ये भी एक्सपर्ट की टीम है वो आ रही है और उनके गाइडेंस में ही इस डिमोल्यूशन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। SDRF का क्या रोल इसमें पूरा रहने वाला है, तमाम इक्विपमेंट के साथ आपने अपने जवानों की तैनाती कर दी है? इसमें SDRF के साथ साथ सिविल पुलिस है, PWD की टीम है और जो एक्सपर्ट की टीम है CBRI की, वो भी आ रही है। जब CBRI की टीम आएगी उसके बाद ही शुरू होगी? जी बिल्कुल। अभी सर शुरुआत मलारिस इससे करेंगे तो उसके बाद क्या वहाँ पर किस तरीके का आगे कार्रवाई होगी? अभी तक इन सिर्फ दो बिल्डिंग्स को डिसाइड किया है डिमोलिश करने का, आगे और जैसा एक्सपर्ट इसको गाइडेंस कराएंगे, गाइडेंस देंगे वैसे ही शुरू किया। मैनुअल तरीके से होने वाला है तो कितना वक्त लग सकता है इसमें? काफ़ी समय लगेगा, वो जैसे PWD और एक्सपर्ट की टीम ने डिसाइड किया है कि 4 से 5 दिन में इस बिल्डिंग को स्टेप वाइज डिमोलिश किया जा सकता है। और इसका भय इसलिए भी है क्योंकि ये एकदम टिल्ट हो गया है, तो सबसे पहले एक्सपर्ट की टीम ने इसे ही डिमोलिश करने को डिसाइड किया। SDRF के कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं कि इसकी शुरुआत ध्वस्तीकरण की तब होगी जब CBRI की टीम यहाँ पर होगी। SDRF ने अपनी जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की हुई हैं और साथ ही साथ इसको यानी कि एक होटल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको हटाने में तकरीबन 5 से 6 दिन लग सकते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसको हटाना होगा क्योंकि नीचे कॉलोनी है जिस तरीके की हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद अभी फिलहाल दो होटल, एक मलारी इन और इसके बाद माउंट व्यू होटल है, इनको हटाने पर यानी कि इनको हटाने की जो सिफारिश थी यहाँ पर, जो एक एक्सपर्ट कमेटी शुरुआत में जो यहाँ आई थी उन्होंने ये सिफारिश की थी कि इनको हटाना होगा, तो पहले ये दो होटल अभी चिन्हित किए गए हैं और माना जा रहा है कि जिन पर रेड क्रॉस के निशान भवनों पर भी लगाए गए हैं उनको भी हटाया जाएगा ताकि वो खुद ये जो रास्ता है जहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, जहाँ जो भवन है उसे जमींदोज किया जाना है, वो उस रास्ते से होकर वो दूसरे रास्ते को भी वो रास्ता कनेक्ट करता होगा, तो क्या कनेक्टिविटी में दिक्कत ना हो इसके लिए रूट डाइवर्जन किया गया है या ऐसी कोई व्यवस्था? आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये जो सड़क है ये बद्रीनाथ का नेशनल हाईवे है। यहाँ से देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि ये जो होटल है और ये जो सड़क है ये मुख्य सड़क है, अभी किसी तरीके की जो आवाजाही है उसको बंद नहीं किया गया है, यानी कि मान सकते हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में अभी और वक्त लगेगा। फिलहाल यहाँ से जो ये कार्यवाही है यहाँ से ये जो शुरू होगी और उसके बाद ही यहाँ से ये जो हाईवे जिसकी आपने बात की है इसके लिए एक वैकल्पिक एक बाईपास है वहाँ से इसको फिर चलने दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे जो आगे जो टूटने का सिलसिला शुरू होगा वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देख ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।